फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे आज के इस वीडियो में हम देखने वाले छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर ने असाइनमेंट जारी कर दिए सत्र 2021-22 के माह अगस्त के कक्षा दसवीं संस्कृत विषय के आज के इस वीडियो में हम असाइनमेंट देखने वाले तो सबसे पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे कि आपको आने वाले सभी विषयों के असाइनमेंट कम्प्लीट सोल्यूशन मिल सके साथ ही क्लास टेन के मैंने जितने भी आपके असाइनमेंट है उनके आंसर कंप्लीट कर दी यदि आपने वीडियो नहीं देखे तो देख सकते हैं आप हिंदी इंग्लिश संस्कृत और यहाँ पर आपको जो संस्कृत है वो भी कम्प्लीट है विज्ञान वगैरह सामाजिक विज्ञान वो भी सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लाइक करो अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी, भी ना भूलें क्लास ट्वेल्थ के विद्यार्थियों के लिए भी असाइनमेंट के आंसर्स अपलोड हो चुके हैं चैनल पर यदि नहीं देखे तो जल्दी से जाकर देख लीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों से भी कहिए कि वो भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें चलिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं किस प्रकार से दिए गए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ठीक है सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ आप पर आपको पूछा गया मम नाम खालिस्तान अस्थि मतलब मेरा नाम क्या है तो आप अपना नाम लिख दीजिए जैसे कि आपका जो भी नाम हो राधा मोहन सीता जो भी आपका नाम हो वो यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा ठीक है तो आपका नाम यहाँ पर लिख लीजिए ठीक है फिर क्या लिखेंगे मम पितु नाम मतलब आपके पिताजी का नाम आएगा दूसरे में आपके पिताजी का जो भी नाम हो वो यहाँ पर आप अपने मन से भर दीजिए फिर तीसरा है मम मातु नाम श्रीमती अपनी मम्मी का नाम यानी माता का नाम इसमें आ जाएगा अहम खालिस्तान कक्षायाम पठामी ये तो बहुत सरल है आप दसवीं कक्षा में है यहाँ पर आप दसवीं लिख देंगे ठीक है अहम दसवीं कक्षाया पठामी उसके बाद में यहाँ पर है मम विद्यालय से नाम खालिस्तान अस्तीम आपके विद्यालय का नाम जैसे शासकीय जो भी विद्यालय हो आपका कन्या महाविद्यालय जो भी आपका विद्यालय हो वो यहाँ पर विद्यालय लिख दीजिए ठीक अब इसके बाद में है अहम तो खालिस्तान ग्राम नगरे निवसिमी मतलब मैं खालिस्तान ग्राम में रहता हूँ तो आपके ग्राम का जो भी नाम हो वो यहाँ पर ग्राम लिख दीजिए जैसे यहाँ पर कोई भी आपका ग्राम का नाम जो भी आ जाएगा आप जिस भी गांव शहर में रहते हो उसका नाम लिख दीजिए फिर उसके बाद में मम प्रिय विषय खालिस्तान अस्थि मेरा प्रिय विषय कौन सा है तो आपका प्रिय विषय हो सकता है संस्कृत हो गणित हो जो भी प्रिय विषय हो वो यहाँ पर लिख दीजिए उसके बाद है उसी से प्रश्न संबंधित अहम आनंदेन स्वप्रिय विषय पठती मतलब यहाँ पर मैं आनंद से मेरा जो प्रिय विषय है वो पढ़ता हूँ तो यहाँ पर आप वो भी लिख सकते हैं आपका जो भी प्रिय विषय में हो तो यहाँ पर आप वो लिख दीजिए कि स्व में प्रविषय पढ़ती यहाँ पर आपका आनंद जो का विषय आपको बहुत अच्छा लगता है वो ¡Us va! आठ चार सौ चार सौ चार सौ जी हाँ याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का आपके हर डाउट हर क्वेश्चंस का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर बस आठ चार सौ चार सौ चार सौ व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए फिर जो भी आपका डाउट है वो सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है उसे क्रॉप करना है और पांच सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा क्लास सिक्स से ट्वेल्थ आई टीजेन्स एडवांस नीट सीबीएसई बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए तो तेरी किस बात की अभी जाइए पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, है। है, अच्छा में लिखना है बिलासा का जो चरित्र चित्रण है उसको सौ शब्दों में आपको हिंदी भाषा में लिखना है चलिए देखते हैं उसके बाद आगे का और प्रश्न है वो भी सारे प्रश्नों के उत्तर आप देखेंगे जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए चलिए तो बिलासा का चरित्र चित्र लेंगे बिलासा में क्या था भरपूर आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंतर्गत बहुत था फिर दूसरा क्या हो जाएगा बिलासा में वह स्वयं में वह और लड़कों में अंतर नहीं समझता था वो अपने आप को जो है अच्छा कॉन्फिडेंस उसके अंतर्गत था वो कोई भी चीज़ों के लिए तैयार रहता था और यहाँ पर दूसरा बिलासा में क्या था अदम्य साहस था मतलब पूर्ण था वो और बिलासा कैसा था विनम्र रक्षक है मतलब वो किसी की भी विनम्रतापूर्वक रक्षा करता है तो ये हो जाएगा आपका उसके बाद भारतम भवतु भारतम ठीक है भारतम भवतु भारतम यहाँ पर आपको दिया है बहुत अच्छा गीत है इसको जरूर सुने इसमें आपको हिंदी अर्थ इसका पूरा अनुवाद बताने के लिए कहा गया तो जो इसका अर्थ हो जाएगा क्या होगा भारत शक्ति समृद्ध है भारत युक्ति से समृद्ध है भारत शक्ति व युक्ति दोनों से समृद्ध है भारत शस्त्र धारण करने वाला है भारत अस्त्र व शस्त्र दोनों धारण करने वाला है देशन यहाँ की संस्कृति में रीति है यहाँ की संस्कृति में नीति अर्थात रीति और नीति दोनों है संस्कृति में उसी से संपूर्ण है और यहाँ कर्मनिष्ठ भी है ठीक है यहाँ धर्मनिष्ठ भी है और यहाँ पर भारत कर्म और धर्म दोनों से समृद्ध है ऐसा माना जाता है भारत जो है देश का सबसे यहाँ पर सम, सं... संस्कृतियों में समृद्ध देश माना जाता है ठीक है भारत भक्ति साधक है मुक्ति साधक भी है भारत मुक्ति व भक्ति दोनों साधक है यहाँ पर भक्ति भी देखने मिलती है मुक्ति भी तो ये पूरा आपको लिख लेना है भारत बहुत साधक जो आपको दिया गया उसका पूरा अर्थ यहाँ पर हिंदी लिख देंगे चलिए क्वेश्चन नंबर फोर को देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर से संबंधित प्रश्न क्या है चलिए इसके बाद जो है आपका पहले क्वेश्चन का यहाँ पर आपको गद्यांश दिया गया है क्वेश्चन नंबर फोर का उसका पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा स्व प्रतिनिन्न मतलब खुद से प्रयत्न करने पर ठीक है क नंबर का उत्तर ये हो जाएगा ख नंबर का उत्तर क्या होगा बिलासपुरम यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा तीसरे का इसी प्रकार से ग नंबर का उत्तर क्या होगा पड़ोसी और चौथे का क्या हो जाएगा युद्धम ठीक है आपको चार आंसर इस प्रकार से कंप्लीट कर लेना है उसके बाद पांचवा आंसर जो आपका है वो क्या होगा पांचवा आंसर होगा बहु छठवा यहाँ पर आपका हो जाएगा राजा इसी प्रकार से सातवां क्या हो जाएगा निवास के लिए स्थल ये सारे के सारे आंसर आपको कंप्लीट कर लेना है क्वेश्चन नंबर फोर के चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर के आंसर आप किस प्रकार से कंप्लीट करोगे चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव में आपका पहला क्वेश्चन है अकारांत पुल्लिंग पद खाली स्थान अस्थि तो अकारांत में जनक कह आता है जैसे आप यहाँ पर पढ़ रहे जनक तो इसमें आप उच्चारण क्या कर रहे कर रहे तो ये पुल्लिंग पद भी है जनक यहाँ पर जो होता है पुल्लिंग के लिए आता है ठीक है तो जनक के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पर पुल्लिंग पद में तो आंसर आपका होगा जनक फिर दूसरा इसी प्रकार से है अध्यम देश जन्म दिवस अस्थि अधम यहाँ पर क्या आएगा आपका इसमें आपको पूछा गया है तो आज मेरा जन्मदिन बोलते हैं हम या आज हमारा जन्मदिन तो आज मेरा जन्मदिन है यानी मम जन्मदिवस अस्ति ठीक है तो सही उत्तर क्या होगा मम अहम खालिस्तान कक्षा हम पठामी मतलब मैं कौन सी कक्षा में हूँ दशमया कक्षा पठामी ठीक है तो यहाँ पर आपका आंसर दशम्या हो जाएगा इसके बाद है भूपेश तो हम खालिस्तान कुत्र गमीष्यसी तो यहाँ पर भ्रमणा यानी कि ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ये सारे आपके राइट आंसर है उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया है जो कि है खालिस्तान पुस्तकम पठती तो यहाँ पर आएगा सह मतलब वह पुस्तक पढ़ता है ठीक है सह पुस्तक पढ़ती यानी ऑप्शन नंबर

विशे अधिक शतम यानी तो है सौ से बीस ऊपर तो सौ से बीस ऊपर और उसमें सात जोड़ दीजिए एक सौ सत्ताईस हो गया तो ये हो जाएगा आपका एक सौ सत्ताईस तीसरा फिर चौथा है सप्तः तो अधिक मतलब सौ से तीस अधिक फिर उसमें सात जोड़ दीजिए यानी कितना एक सौ सैंतीस तो यहाँ पर आपका एक सौ सैंतीस राइट आंसर है तो मिलान कर लीजिए इस प्रकार से आपको मिलान कर लेना है पहले नंबर का हो जाएगा दूसरे का एक सौ सत्रह हो जाएगा तीसरे का एक सौ सत्ताईस और चौथे का एक सौ सैंतीस ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे इसको मैं और अच्छे से आपको बता देती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो तो इस प्रकार से आपको आंसर्स लिख लेना पहले जनक आ जाएगा यहाँ पर मम आ जाएगा दशम्या भ्रमणाय और सह और ज्ञान इसी प्रकार से सही जोड़ी जो मिला रहे हैं वो हो जाएगी तो चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको सी बोर्ड के सारे विषयों के असाइनमेंट कंप्लीट सॉल्यूशन मिल सके साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उन सभी की हेल्प हो सके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले अपने दोस्तों को शेयर करें उनसे भी कहे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे कि उनको आने वाले सारे असाइनमेंट के आंसर्स मिल सके तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में तब तक वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें थैंक्स फॉर वॉचिंग